Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. Wish you all a very happy new year. And जैसा कि CSIR का रिजल्ट आ चुका है, कई लोग उसके लिए परेशान भी होंगे, कई लोग उससे खुश भी होंगे. So परेशानी और खुशी के दौर में एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए as a motivation video लेके आने वाला हूँ. ये 10 मिनट का जो वीडियो होगा, आप इसको पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे एक छोटे से बच्चे से आप कितनी सारी चीजें सीख सकते हैं. So ये मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए होप की एक एनर्जी लेके आएगा. So इस पूरे वीडियो को आराम से देखिएगा और थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करिएगा. तो मैं बात करता हूँ इस पूरे वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एक छोटा सा बच्चा, जो मुझे लगता है कि एक जो छोटा सा बच्चा होता है वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोटिवेशनल पर्सन की तरह काम करता है. जब मैं उसे देखता हूँ तो उससे मुझे ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सीखने को मिलती हैं. जैसे कि अगर मैं वन बाई वन लेकर चलता हूँ टॉप 10 थिंग्स जो कि हम किसी बच्चे से सीख सकते हैं, उसका पहला जो पार्ट है दैट इज फर्स्ट वन इज क्यूरियोसिटी. बच्चे जो होते हैं काफी क्यूरियस होते हैं. बच्चों के बारे में अगर बात करें तो दे आर वेरी वेरी क्यूरियस. उनको अगर किसी चीज को देखना, कुछ भी नया होता है आसपास, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो मतलब नहीं होता. दैट इज व्हाट एनीथिंग हैपनिंग इन देयर लाइफ, वो क्यूरियस होते हैं जानने को. अगर कुछ छुपा है, कुछ होने वाला है, सो दे आर क्यूरियस टू द न्यू थिंग्स. जो न्यू थिंग्स लाइफ में होने वाला होता है वो उसके लिए काफी क्यूरियस होते हैं. हम बच्चों से ये चीज सीख सकते हैं कि लाइफ में हमारे जो भी होने वाला है ना, वो किसी ना किसी अच्छे पर्पस के लिए होने वाला है. तो उससे हम भी क्यूरियस हो सकते हैं, क्योंकि यही तो लाइफ का सबसे बेस्ट क्रिएटर कहते हैं कि बेस्ट क्रिएशन है, जिसकी वजह से हम ये नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होगा. और इसकी वजह से एक क्यूरियोसिटी बनी होनी चाहिए ताकि लाइफ इंटरेस्टिंग बना रहे. दूसरी जो चीज है हम किसी बच्चे से सीख सकते हैं वो दूसरी चीज है जिसको बोलते हैं फियरनेस, जो कहते हैं फियरलेस अप्रोच. बच्चे कभी भी नहीं डरते, उन्हें नहीं पता होता कि ये आग है, ये पानी है, ये क्या है क्या नहीं है. उन्हें अगर वहां पे जाना है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, खेलना है, वो चले जाते हैं, बिना डरे चले जाते हैं. दैट फियरलेस अप्रोच अगर हम अपनी लाइफ में लेके आते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं ना, हमारी लाइफ में हम डरना ज्यादा शुरू कर देते हैं. जब हम ज्यादा डरना शुरू कर देते हैं तब हमारे साथ क्या होता है कि हम अपने आप को डिफेंसिव अप्रोच में लेके चले जाते हैं. हम अटैकिंग अप्रोच लाइफ में नहीं लेके आ पाते. थोड़ी सी गलती हुई हम डिफेंसिव हो जाते हैं, हम डरने लगते हैं, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा. हम कई सारी चीजें अप्लाई नहीं करते, अप्रोच नहीं करते, और ऐसे ही चीजों की वजह से लाइफ में हम बहुत कुछ मिस कर जाते हैं. तो फियरलेस अप्रोच लेके आइए. जो अच्छा लगता है, जो आपका मन कहता है ये चीज ट्राई करनी चाहिए, तो उसको ट्राई करो यार. एक ही जिंदगी है, उसमें ट्राई करो, एटलीस्ट देखो तो सही क्या एक्सपीरियंस होता है. तीसरी जो चीज वो सीखी जा सकती है किसी बच्चे से अगर मैं बात करूं, तो वो तीसरी चीज है जिद. किसी छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, अगर चॉकलेट चाहिए उस बच्चे को, अगर उस बच्चे को चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं है, चाहे उसके लिए वो रोएगा, गाएगा, जिद करेगा. उसकी जिद जब तक वो नहीं मिलेगा, वो चॉकलेट जब तक उसे नहीं मिलता, वो शांत नहीं बैठता. तो जिद जरूरी है जी. अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर लाइफ में आपको कुछ भी चीज चाहिए, आपका गोल चाहिए, आपका ड्रीम चाहिए, तो जिद जरूरी है. दूसरी अगर मैं बात करता हूं जिसको बोलते हैं चौथी चीज जो किसी बच्चे से सीखी जा सकती है, चौथी चीज जो किसी बच्चे से सीखी जा सकती है वो कहते हैं दैट नेवर केयर अबाउट अदर्स. वो कभी केयर ही नहीं करते दुनिया क्या कह रही है. उन्हें अगर हंसना है तो हंसेंगे, उन्हें अगर रोना है तो वो रोएंगे. दुनिया क्या सोचती है, क्या कह रही है, क्या कर रही है, नहीं मतलब पड़ता. लाइफ में हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर कम होती चली जाती है. हमारे साथ क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं. इसलिए नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, ये कि दुनिया क्या कहेगी. ठीक है, सो दुनिया क्या कहेगी, क्या कहेंगे वो चार लोग. जब इस चक्कर में हम पड़ जाते हैं तो फिर हमें पता ही नहीं चलता जी कि हम क्या किए जा रहे हैं डर के मारे, हमें क्या करना चाहिए. सो बी कहते हैं कि बी योर सेल्फ, जो आपका मन कहता है वो करो. दुनिया का तो काम ही है, वो कहती रहेगी. सो दुनिया की चिंता नहीं करना, कौन क्या कहता है नहीं करना. बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. ये जो चीज थी ये आप बच्चे से सीख सकते हैं. अगर मैं आपसे बात करता हूँ पांचवी वो पॉइंट क्या है जो बच्चे से आप सीख सकते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे, दैट इज व्हाट, वो क्या होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं. दे आर वेरी एक्सप्रेसिव.
अगर हम बात करेंगे तो दे आर वेरी एक्सप्रेसिव, वो काफी एक्सप्रेसिव होते हैं। अगर हम उनमें बात करेंगे कि कुछ भी है तुरंत एक्सप्रेस कर देंगे, उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आई मना कर देंगे, कोई चीज कहते हैं कि अगर अच्छी लग रही है खुश हो जाएंगे, कोई चीज नहीं कुछ चोट लग गया तुरंत रोने लगेंगे। सो वो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं अपने फीलिंग्स को लेके। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम क्या करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को लेके एक्सप्रेसिव होते ही नहीं है, हम उसको अपने अंदर ही दबा के रख जाते हैं, अपने अंदर ही कंजर्व करके रख जाते हैं। सो यही जो प्रॉब्लम होती है कि हम ज्यादा स्ट्रेस्ड टेंस्ड और इस फीलिंग में आने लगते हैं। सो अपने आप को थोड़ा एक्सप्रेसिव बनाइए, आपको जो फील होता है उसको एक्सप्रेस करिए, चाहे वो खुद से करिए, किसी एक पर्सन से करिए, किसी भी बेस्ट फ्रेंड फैमिली किसी भी पर्सन से करिए, या कुछ नहीं मिलता तो एक पेपर पे अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख लो, डायरी पेपर वॉट एवर। मैं जनरली यूज करता हूँ डायरी, आप लोग भी यूज कर सकते हो, पेपर में अपने पूरे मन की बात लिखिए, अगर आपको किसी को बताना है तो बताइए, अदरवाइज उसको जला के फेंक दीजिए, जो भी आपको करना वो कर सकते हो, आपको रखना है डायरी में रख सकते हो, जला देना है जला सकते हो, लेकिन एक्सप्रेसिव बनो। अगर अपने मन में चीजों को रखोगे तो डेफिनेटली वो आपके मन में बहुत ही लोड लेके आएगा, और जब लोड लेके आए कहते हैं ना कि अगर एक बोतल को कॉन्स्टेंटली अगर मैं एक दिन तक पकड़ू तो मेरा हाथ पैरालाइज हो जाएगा। तो सोचो कि अगर ब्रेन में ऐसे निगेटिव थॉट्स, ऐसे कहते हैं निगेटिव एनर्जीज को काफी देर तक रखोगे तो ब्रेन पैरालाइज हो सकता है। तो बी एक्सप्रेसिव, अपने ब्रेन पे लोड मत पड़ने दो, ठीक है। सो ये जो चीज थी, ये छठवीं चीज थी जो आप किसी बच्चे से सीख सकते हो, सॉरी पांचवी चीज। अगर मैं बात करूं छठवीं चीज के बारे में, तो छठवां जो होता है दैट इज व्हाट दे आर वेरी एक्साइटेड टू न्यू थिंग्स, एक्साइटेड टू एवरीथिंग, क्यूरियस और एक्साइटमेंट उनके अंदर भरा पड़ा रहता है। अगर कुछ होने वाला उनको बता दो कि बेटा नई टीवी आने वाली है, मम्मी चॉकलेट लेके आने वाली है, मामा जी चॉकलेट लेके आने वाले, तो दे आर वेरी एक्साइटेड, वो काफी एक्साइटेड रहते हैं कि अच्छा मेरे मामा जो है ये लेके आ गए, उनके चेहरे पे वो एक्साइटमेंट दिखती है। लेकिन आजकल की जो रोज भाग दौड़ की जिंदगी हो जा रही है, हम चाहे करियर के स्ट्रेस में हो चाहे जॉब के स्ट्रेस में हो, हम एक्साइटेड ही नहीं रहते। लाइफ में कुछ भी कर रहे हो हम उसके लिए एक्साइटेड ही नहीं होते कि हाँ हम जॉब कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए एक्साइटेड नहीं होते। सो हमें एक्साइटेड होना पड़ेगा, एक्साइटेड बनिए। ये सारी क्वालिटी हमारे बचपन में थी, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, उस कहते एक्सटेंशन को वापस लेके आइए। एक्साइटेड बनिए कि लाइफ में कल जो है यार कुछ नया होने वाला है, कुछ नहीं तो कुछ तो होगा ना, बोरिंग अगर कुछ भी नहीं होता तो भी तो एक्साइटमेंट ही है, इंजॉय द सिंप्लिसिटी, वो भी एक्साइटमेंट का एक पार्ट है, एक्साइटेड रहिए, ठीक है। अगर ये रहा छठवां टिप्स जो कि आप किसी बच्चे से सीख सकते हैं, एक्साइटमेंट। सातवें टिप्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं, व्हाट इज द सेवंथ टिप जो कि आप बच्चे से सीख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द लिव इन द मोमेंट, वो लिव इन मोमेंट होते हैं। ये नहीं कि हाँ अगर आज मुझे कुछ मिला तो उसका एंजॉयमेंट मैं कल करूंगा, या कल मिला तो परसों करूंगा, परसों का आज करूंगा। नो, अगर अभी कुछ इंजॉयमेंट हो रहा है, अभी कुछ मजेदार हो रहा है तो खुश रहेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं रहेंगे। जो मोमेंट है उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हम फ्यूचर को लेके बैठ जाते हैं कि ये फ्यूचर में नहीं होने वाला या होने वाला है, अगर इस तरीके से हम बैठ जाते हैं और उसी के थ्रू हमारा माइंड भी चलने लगता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम जिस मोमेंट में उस मोमेंट को एंजॉय करो। अगर आप एक फीलिंग ही तो है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उस मोमेंट में फील करो, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो और एंजॉय करो, ठीक है। लिव इन द मोमेंट, उस मोमेंट को एंजॉय करो जो कि आपके साथ चल रहा है, क्योंकि ये दोबारा नहीं आने वाला, ये दिन ये समय ये सारी मोमेंट्स जो हैं वो अगले दिन वापस से रिपीट नहीं होने वाले। सो एंजॉय योर एवरी मोमेंट एंड लिव इन द मोमेंट, दैट इज द सेवंथ टिप्स यू कैन लर्न फ्रॉम अ चाइल्ड। आठवें टिप्स के बारे में अगर मैं बात करूं, सो आठवां टिप्स जो होता है दैट इज व्हाट अडॉप्ट टू द चेंज। कोई भी चेंज होता है, अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसी बच्चे को एक नया स्कूल में वो पढ़ रहा है, उसको हम कहीं पे शिफ्ट हुए उसको लेके जाएंगे, तुरंत वो अडॉप्ट कर लेता है, नए स्कूल नए बच्चे नई चीजें। लेकिन हम जितने ग्रो अप होते चले जाते हैं, हम अपने आप को चेंज से उतना ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो हम जितना भी चेंज से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये हमारे लिए ही प्रॉब्लम की बातें बनती चली जाती हैं। हमें अडॉप्ट करना चाहिए चेंजेस, कहते हैं ना कि बी लाइक अ फ्लूइड और अ रिवर और अ वाटर, जिस बर्तन में रखे जाओ उसका आकार पकड़ लो, इस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि ज्यादा अगर आप सॉलिड बनोगे तो आप सिर्फ एक ही जगह फिक्स आ सकते हो।
सो पानी की एग्जांपल्स अलग अलग जगह पे दिए जाते हैं और आपको ये पता होगा कि पानी जो है वो पत्थरों को चीर के भी आगे निकलता है। क्यों? क्योंकि उसका परसिस्टेंस होता है। और बी लाइक अ फ्लूइड, अपना रास्ता खुद बना लोगे अगर आप फ्लूइड रहोगे, शेप चेंज करते हुए अपना रास्ता बना लोगे। बहुत रिजिड होने की जरूरत नहीं है, जो चीज जितनी रिजिड होती है उतना ही जल्दी टूटने का चांसेस होता है। सो बी फ्लेक्सिबल, एडॉप्ट टू द चेंजेस, जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड रहिए, थोड़ा सा एडॉप्टेड कहते एडॉप्ट नेचर लेके आइए अपने अंदर ताकि आप एडॉप्ट कर सकें। ये जो है आप बच्चे से सीख सकते हैं, दैट इज एडॉप्ट टू द चेंज। नाउ अगर मैं आठवें चीज की बात करता हूँ, दैट इज दिस इज एट, एंड अगर मैं बात करता हूँ नौवें चीज की, ठीक है, नौ जो नाइन्थ टिप्स है किसी बच्चे से सीखा जा सकता है, दैट इज द नेवर गिव अप एटीट्यूड। कभी बच्चे को देखा है, अगर खड़ा है बच्चा, उसको आप बैलून ऐसे ऊपर कर दो तो वो उछल के पाने की कोशिश करता है, आप उसको थोड़ा सा छेड़ो तो भी वो इधर उधर करने की कोशिश करता है और वो जिद करता है, वो पाता है, ऐसा नहीं कि एक बार वो नहीं पाया तो दोबारा कोशिश नहीं कर रहा है। वो उनके अंदर गिव अप की एटीट्यूड ही नहीं होता, नेवर गिव अप, हमें करना है तो करना है। मैं हम अक्सर बोला करता हूँ अपने लाइन्स, अपने कहते हैं क्लासेस और हर जगह पे कि मुश्किलों से ना अब डरना है, रगों में साहस भरना है, करना है तो करना है। सो करना है जी, क्या करोगे गिव अप करके? गिव अप करके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो गाइस, अब मैं बात करता हूँ लास्ट टिप्स के बारे में, जो कि टेंथ टिप्स है। इस टेंथ टिप्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो आपको करना क्या है जी? टेंथ टिप्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज द हैप्पीनेस, खुश रहना है। बच्चे क्या होते हैं? खुश रहते हैं। कितना रोगे, कितना प्रॉब्लम्स होगी लाइफ में चलती रहती है, अगर आप इन प्रॉब्लम्स के ऊपर वरी करने लगोगे। बच्चों का नेचर देखा है, हमेशा खुश रहने का नेचर होता है, छोटी छोटी चीजों में भी खुश रहते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, हमारे कहते हैं खुशी के लिए हम कोई वजह ढूंढने लगते हैं। बच्चे किसी वजह से खुश नहीं होते और नॉर्मली भी हंसते रहते हैं, छोटी छोटी चीजें भी उन्हें खुश कर जाती है। सो बी लाइक अ चाइल्ड, आप थोड़ी थोड़ी चीजों में भी खुश रहना सीखो, क्योंकि जिस दिन आपने वजह ढूंढ लिया खुश रहने का, वो वजह खत्म और खुशी खत्म। सो हैप्पीनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड एंड इट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। अगर कुछ भी करके आप खुश नहीं हो, चाहे वो कितने भी करोड़ रुपए कमा लो, चाहे कहीं से भी पीएचडी कर लो, कुछ भी कर लो, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज एग्जैक्टली कि लाइफ में जो अल्टीमेट पर्पस आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए हैप्पीनेस। तो अगर मैं पूरे के पूरे सेशन को मगअप करना चाहूँ आपके लिए, सो हमने 10 चीजें देखी कि हम बच्चे से क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। पहली चीज हमने देखी कि क्यूरियस होना चाहिए, पहली चीज जो देखी वो हमें क्यूरियस होना चाहिए, दूसरा फियरलेस होना चाहिए हमें, दूसरा जो है फियरलेस होना चाहिए, तीसरी की बात करता हूँ जिद होनी चाहिए, हमें जिद होनी चाहिए, अगर हम जिद नहीं लेके आएंगे तो हम चीजों को अचीव करने में थोड़े से पीछे रह जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि दुनिया क्या कहती है वो कभी केयर नहीं करते, दुनिया क्या कहती है वो कभी केयर नहीं करते, एक्सप्रेसिव होते हैं। पांचवी टिप्स के बारे में बात करें, वो एक्सप्रेसिव होते हैं। छठवीं टिप्स, वो एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटमेंट में रहते हैं छठवीं टिप्स। अगर सातवीं टिप्स की बात करूं, सो वो मोमेंट में जीना पसंद करते हैं। आठवें टिप्स की बात करूं, सो चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड रखते हैं नौवें टिप्स में, और दसवें टिप्स में हमने देखा कैसे खुश रहते हैं गाइस। तो ये सारी चीजें, जो 10 चीजें हम किसी बच्चों से सीख सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आया होगा, और एट द एंड मैं जरूर आपके साथ बोलना चाहूंगा कि मंजिल तक पहुंचने से पहले रुक जाए मेरे कदम, मंजिल तक पहुंचने से पहले रुक जाए मेरे कदम, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं, फैसला होने तक हार कैसे मान लूं, जग अभी जीता नहीं मैं भी हारा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये वीडियो होप कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा हो। तो इस वीडियो के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पे CSIR का डिग्री के लिए पढ़ाता हूँ, आप लोग उस वहाँ पे जुड़ सकते हैं और रेफरल कोड यूज़ करिएगा VIREN टू गेट द 10% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।